नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में। मित्रों, मैंने पूरा एमएस वर्ड के स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो ऑलरेडी हमने दे चुका है। आपके प्लेलिस्ट में एमएस वर्ड के नाम से एक ऑप्शन है जिसमें आप जा करके पूरे एमएस वर्ड की पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, कैसे हम लोग किसी भी फ्रंट पेज को बनाते हैं, आज हम लोग सीखेंगे। एक छोटे से वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फ्रंट पेज कैसे बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि फ्रंट पेज आखिर हम लोग कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में लगाना हो, चाहे वो किसी स्कूल में लगाना हो, ऑफिस में लगाना हो, इंस्टीट्यूशन में लगाना हो, संस्थान में लगाना हो, कहीं भी लगाना हो। तो हम लोग कैसे बनाते हैं इस चीज़ को हम लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं सीधे हम लोग कि हम लोग कैसे फ्रंट पेज को बनाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट मीनू में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, इंसर्ट मीनू में जाएंगे। उसके बाद जाएंगे वर्ड आर्ट में। कहाँ जाएंगे, वर्ड आर्ट में जाएंगे। उसके बाद हमें एक चूज करना होगा वर्ड आर्ट 3। देखिए इसमें हमें क्या लिखना है, हमें उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है जिस इंस्टीट्यूशन के बारे में हम लोग फ्रंट पेज बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया यूनिक शिक्षण संस्थान। फिर उसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा घींच के गोला में कर देंगे। देखिए थोड़ा सुंदर लगेगा, हमने कर दिया इसको। हम चाहते हैं इसको कलर देना तो कलर दे सकते हैं, आउटलाइन ब्लैक कर सकते हैं, सेव फील हम रेड कर सकते हैं, कर दिया हमने। कोई शैडो देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। सारे ऑप्शंस हमारे पास क्लियर है, ध्यान रखिएगा, बस आपको समझने की देरी है। हम क्या करेंगे यहाँ से, आपको बात समझ में आ रही है, हम यहाँ से क्या करेंगे, आउटलाइन और सेव फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम टेक्स्ट वैरपिंग पे जाएंगे और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लेंगे ताकि हम इसके ऊपर भी कुछ लिख सकें। नहीं तो किसी भी पिक्चर के ऊपर आप लोग कुछ लिख नहीं सकते एमएस वर्ड में जब तक आप इस ऑप्शन में नहीं जाएंगे। तो हमें यहाँ पे अगर लिखना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे लोगो उठाएंगे। कहाँ से लोगो उठाएंगे हम लोग, जहाँ पे भी लोगो हम रखे होंगे। भाई मान लीजिए हम यूनिक शिक्षण संस्थान का लोगो उठा लिए, ठीक। उसके बाद क्या किए, हम यहाँ पे रख दिए। अब हमें इसको सिस्टमेटिक रखना होगा ना, इसको सिस्टमेटिक रखना होगा भाई, इसको सिस्टमेटिक रखना है। ध्यान रखिएगा आप कि इसको हम लोग कैसे यहाँ रखेंगे, इस बार इस चीज को हम लोग जानते हैं। को हम लोग यहाँ का रखेंगे, आराम से ले जाके यहाँ रख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये बीच वाले एलाइजन में चले जाएंगे। देखिए हमारा लोगो एकदम बढ़िया सेटअप जगह हो गया है। अब इसको हम थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं आराम से, उसको हम लोग थोड़ा झुका सकते हैं। देखिए हमारा लोगो सेट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी भी, अब आप लोगों को पता है कि जब हम लोग कोई भी फ्रंट पेज बनाते हैं तो वहाँ पे लोगो लिखने के बाद एड्रेस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि नियर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद सलोरी प्रयागराज, ठीक है, हमने लिख दिया इसको। अब हम चाहते हैं इसको, इसका अगर हम लोग फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं आसानी से यहाँ से। मान लीजिए हमें ये फॉन्ट लेना है, ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे, ज़्यादा बड़ा हो गया, हम लोग थोड़ा बड़ा करके यहाँ से हम चाहते हैं तो कलर चेंज भी आसानी से हम लोग कर सकते हैं और हाइलाइटेड कलर भी दे सकते हैं। हाइलाइटेड कलर देने के बाद थोड़ा हाइलाइट कलर होना चाहिए तो हम लोग हाइलाइट कलर ले लेते हैं, ठीक है। देखिए हो गया ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एड्रेस लिखने के बाद सीजन लिखना होता है कि सीजन कौन सा चल रहा है भाई, तो हम लोग सीजन यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सीजन, सीजन 2021, यही सीजन चल रहा है ना, तो ये सीजन हम लोग डालेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सीजन डालने के बाद हम क्या करेंगे, टॉपिक लिखते हैं कि भाई कौन सी टॉपिक पे हमें बनाना है, क्या कौन सी टॉपिक पे हमें बनाना है, ध्यान रखिएगा आप। तो टॉपिक यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ से हम उठा सकते हैं इंटेक्स, कोई भी उठा सकते हैं जो हमें अच्छा लगता हो। सपोज दैट मान लीजिए हमें ये उठाना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटर मैटर,
ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, कंप्यूटर मैटर, कि कंप्यूटर मैटर का हमारा बनाना है। टॉपिक कौन सी होगी, यहाँ से हमने यहाँ से टॉपिक ले लिया, ठीक है। इसको चाहते हैं हम बड़ा भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इसके पीछे क्या कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है ऑप्शन सबमिट टू और सबमिट वाई का, क्या होता है, हम लोग यहाँ से एलाइजन राइट वाला ले लेंगे और सबमिटेड टू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबमिटेड वाई, ठीक है, लिख देंगे। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम सबमिटेड टूट के नीचे लिखेंगे आ रत्नाकर उपाध्याय, ठीक है, रत्नाकर उपाध्याय, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूनिक ऑनलाइन, ठीक है, हमारा ये हो गया। अब देखिए ये हमारा हो गया क्या, फ्रंट पेज रेडी है। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फ्रंट पेज रेडी करने के बाद हम चाहें तो इसको जो है आसानी से कोई बॉर्डर दे सकते हैं अगर हमें अच्छा लगे तो। देखिए हम बॉर्डर भी दे सकते हैं इसमें, ठीक है, क्या कर सकते हैं, बॉर्डर भी दे सकते हैं आसानी से, बॉर्डर क्रिएट भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या कर रहे हैं। इसके बाद हमें पूरे पेज में अगर बॉर्डर देना थोड़ा और सुंदर लगने के लिए, तो हमें पेज लेआउट में जाके बॉर्डर में जाना पड़ेगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, बॉर्डर दे देंगे। देखिए थोड़ा सा और सुंदर हो गया हमारा पेज। इसके बाद अगर ये पेज आपको ना पसंद आए, ये देखिए सिंपल, अब कभी भी जान लीजिए कि जब हमें किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में, कहीं पे भी अगर हमें देना होता है तो हम सिंपल बॉर्डर का यूज़ करते हैं, कोई भी दिखावा नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें नंबर चाहिए होता है। तो हम लोग यहाँ से ये सारे ऑप्शन हैं, ये भी बॉर्डर दे सकते हैं, तो हमारे पास जो सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हम लोगों के पास हमेशा सिंपल होना चाहिए, हर जगह से सिंपल होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, फ्रंट पेज तैयार हो गया। तो और भी सारे प्रोजेक्ट हमारे मिलते रहेंगे, बाकी जो लोग नए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों धन्यवाद।